हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल की धर्मशाला व पच्छाद धान सभाओं में उपचुनाव के लिए हुए मतदान को लेकर दावा किया है कि दोनों सीटों पर भाजपा जीत दर्ज करेगी। जी हां, उन्होंने कहा कि दोनों विधानसभाओं में चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से हुई है। इसके लिए उन्होंने दोनों विधानसभाओं के मतदाताओं को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि उपचुनाव में मतदान कम होता है, लेकिन जिस तरह दोनों विधानसभा में मतदाताओं में मतदान के प्रति जोश देखा गया है, उससे यह लगता है कि भाजपा दोनों सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। इस अवसर पर धर्मशाला से भाजपा उम्मीदवार विकास लहरिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह चुनाव प्रचार में उन्हें मतदाताओं का समर्थन मिला है, उससे उनकी जीत सुनिश्चित है। वहीं पश्चात विधानसभा से भाजपा की महिला उम्मीदवार रीना कश्यप ने भी अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारों ने हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं शुरू की हैं और लोग भाजपा से खुश हैं, इसलिए मतदाता भाजपा का ही समर्थन करेंगे। रीना कश्यप जी, इस तरह से आज जो चुनाव मतदान दिवस है, तो किस तरह से आज का दिन रहा है आपका? आज मैंने शुरुआत मेरी कोटली अपनी पंचायत से किया है और 10 पोलिंग बूथ पे मैं जा चुकी हूँ और बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। हमारे बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी में काफ़ी जोश है और सभी जनता, काफ़ी मतदाता में अपना काफ़ी सहयोग दे रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। आज लोकतंत्र का पर्व जो है धर्मशाला उपचुनाव के रूप में मनाया जा रहा है और जो धर्मशाला की प्रबुद्ध जनता है उसमें बहुत सारा उत्साह दिख रहा है। सुबह 7 बजे से ही हमारे सभी आम जनमानस, आम यहाँ के लोग जो हैं वो अपने घरों से निकल कर आए हैं और वोट कास्ट करने आए हुए हैं। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और जनता को भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो सशक्त है, अच्छा नेतृत्व है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता की तरफ से पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता तो यहाँ पर स्थानीय इश्यूज़ हैं हमारे, बहुत सारे हैं, चाहे वो नगर निगम को लेकर है, चाहे धर्मशाला को सुंदरीकरण को लेकर है, स्मार्ट सिटी को लेकर है, पर्यटन के दृष्टिकोण है, शिक्षा प्रणाली है, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है काम करने वाले हैं। साथ में कई ऐसे जो है हम लोग रोजगार और स्वरोजगार के ऊपर भी फोकस करने वाले हैं। थैंक यू। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111000009। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।